टॉपिक है बिल्डिंग द न्यू, नया बनाना है। तो अब हमें नया कनेक्शन लेना है, ऐसा सिम कार्ड लेना है जिसमें केवल भगवान का नंबर है बस, और कोई नंबर नहीं है। तो इसको करने के लिए केवल भगवान में मन लगे, ये हम एक उद्देश्य रखते हैं कि मेरा मन भगवान में लगे बस। तो हम अभी तो प्रार्थना कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरा मन आप में लगे, मैं आपको चाहूँ, आप अच्छे लगें, आप प्यारे लगें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं होना चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये जो लोग मिले हैं रिश्तेदार ये पसंद नहीं है ज़्यादा हमें, पति मिले मिल गए ठीक है, जो भी पत्नी मिली है ठीक है, पर कभी मन में आता है ये उतने अच्छे नहीं हैं। अभी तो कोई सर नहीं हिलाएगा, हिलाना भी नहीं चाहिए, पर मन में ज़रूर आता है जीवन में कभी, ये पति अच्छे नहीं मिले, पत्नी अच्छी नहीं है, जो भी ऐसे विचार आता है। तो आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस रिलेशनशिप, ये मुझे पसंद नहीं है। कोई भी मदर इन लॉ, सास पसंद है, माता जी लोग बहुत सारी बैठी हैं, सास जब जिंदा थी पसंद थी, मुझे नौकरी पसंद नहीं है। किसी नौकरी वाले से पूछ लो तुम, उसको नौकरी पसंद नहीं होती, ज्ञान में आने के बाद पसंद हो जाती है, क्यों, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, ज्ञान की पॉइंट लगा देते हैं, नहीं तो किसी को नौकरी पसंद नहीं है। अब फिर ये तो बाहर की और बातें रही, अब मुझे अपना शरीर पसंद नहीं है, मैं मोटा ज़्यादा हूँ, काला हूँ, मुझे अपने बाल पसंद नहीं है, मुझे अपनी नाक पसंद नहीं है, बाल का तो बहुत ही चक्कर रहता है, मुझे अपने बाल पसंद नहीं है, ऐसे होते वैसे होते मैगजीन में देख लिया और उसमें टीवी में देख लिया, अब वो तो भाई वो तो 1000 लड़कियों में एक लड़की होती है जो टीवी पर आती है, जो मॉडल बनती है, तो 1000 लोग बेकार हो गए। भगवान ने जो दिया है वो हमें पसंद नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आई डोंट वॉन्ट टू बी लोनली, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, कितनी सारी बातें बोलते हैं और हमें ये नहीं पता कि जो हम बोलते हैं वही चीज़ ग्रो करती है। इसके लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जब कोई कहता है मेरे बाल काले हैं तो सफ़ेद होने लगे मानो, लेकिन वो कहता रहता है मेरे बाल काले हैं मेरे बाल काले, तो धीरे धीरे वो देखता है उसके सारे बाल काले हो जाते हैं। ये प्रूव्ड है। तो जो हम सोचते रहते हैं वही हमारे साथ होता रहता है, मन में विचार आते रहते हैं, कोई बात नहीं वहाँ तक तो कोई चिंता नहीं है, मन में कोई विचार आओ कोई चिंता नहीं है, जब हम मिल जाते हैं उनसे तो वो विचार बन जाते हैं, उसको सोचना कहते हैं। विचार आने को सोचना नहीं कहते, विचार आने को सोचना नहीं कहते, विचार कुछ भी आ सकता है, वो कोई गलती नहीं है, उससे कोई कर्म नहीं बनता, उससे कोई हमारा भविष्य नहीं बनता, लेकिन जब हम उससे मिलकर सोचने लगते हैं तो हमारा भविष्य निर्माण होने लगता है। आप जैसा सोचोगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा सामने आएगा, तो निगेटिव कभी नहीं सोचना है। तो जो हम अभी बोल रहे थे हम मोटे हैं, मोटे ना हो जाए कहीं, तो बोले हम पतले हैं, हम स्वस्थ हैं, आई एम प्रॉस्पेरस, हम खुशहाल हैं, भगवान ने बहुत दिया है, अच्छे से खाने को रहने को है। चाहने वाला तो भिखारी होता है, कोई पैसा मांगता है, कोई चीज़ें मांगता है, कोई सामान मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, सब भिखारी हैं। आई एम ओशन ऑफ लव, मैं प्रेम का सागर हूँ, तो मैं अपने को बहुत पसंद करता हूँ। तो आप बोल सकते हैं अपने से कि मैं अपने को बहुत पसंद करता हूँ, मैं जैसा हूँ अपने को बहुत पसंद करता हूँ। कह रहे हैं सारी अच्छाई शुरू होती है
जब हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, अपने को अप्रूव करते हैं, हम जैसे हैं वैसे हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने को पसंद करते हैं। अप्रूव करना क्या है? स्वीकार भाव। हम जैसे हैं हम अपने को स्वीकार करते हैं। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं जैसा हूँ मैं अपने को स्वीकार करता हूँ। फिर साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दुनिया का कोई काम करो, पैसा कमाओ, कुछ भी करो, पर ये ज़रूर कहना है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पक्की और सच्ची बात है, बिल्कुल मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सारी शक्ति सारी सामर्थ्य इसी से आएगी। तो हम लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी, गुरु भगवान के शुक्राने।